नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। त्योहारों के मौसम में बाजार में रौनक रही। ऑनलाइन मोबाइल ब्रांड ने अच्छी बिजनेस किया, लेकिन मार्केट में मंदी छाई रही। उसके वजह से कुछ कारोबारी हैं जो मायूस है। वो है छोटी छोटी दुकान चलाने वाले, शोरूम वाले, मोबाइल हैंडसेट बेचने वाले व्यापारी। उनका बिजनेस 50% से ज्यादा घट गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से बिजनेस पे जो प्रभाव पड़ा है, उसका आम आदमी पर असर पड़ा है। अभी लॉकडाउन और कोरोना के 8 महीने बाद जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनकी उम्मीद थी कि फेस्टिवल सीजन में व्यापार में सुधार आएगा, पर हालात वही है। कोरोना के डर के कारण या खुद के बचाव के लिए लोग ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। ऑनलाइन में कई वैरायटी लोगों को देखने मिल जाते हैं और फेस्टिवल सीजन में ऑनलाइन में डिस्काउंट या सबसे सस्ता मिल जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। जबकि व्यापारियों ने ऑफर और नई नई स्कीम लाने के बाद भी मार्केट में ज्यादा ग्राहक नहीं दिखाई दिए। देश में 1.5 लाख से भी ज्यादा मोबाइल रिटेल दुकानों के मालिक भी यही संकट झेल रहे हैं। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरविंदर खुराना ने कहा कि इंडिया जो है रिटेल डेंसिटी कंट्री है, अगर यहाँ पे कोई रिटेल पॉलिसी नहीं आई तो रिटेल्स का बचना मुश्किल हो जाएगा और बिजनेस भी शटडाउन हो जाएंगे। हरविंदर खुराना ने प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि देश के रिटेलर को राहत देना पड़ेगा।